आज मुझे ये कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है दैट सर वी इन इंडिया टुडे पे टैक्सेस लाइक इंग्लैंड टू गेट सर्विसेज लाइक सोमालिया। सर पिछले 10 सालों में टैक्स लगा लगा कर सरकार ने एक देश के आम आदमी का खून चूस लिया। अब आप मानिए आप 10 रुपए कमाते हैं उसमें से 3-3.5 रुपए आप इनकम टैक्स के माध्यम से दे देते हैं, 2-2.5 रुपए GST आपका चूस लेता है, 1.5-2 रुपए आपका कैपिटल गेन टैक्स लगता है, सेस सरचार्जेस 1-1.5 रुपए के लग जाते हैं, तो मात्र 10 रुपए में से 7-8 रुपए तो सरकार के खजाने में चला जाता है, तो आम इंसान को मिलता क्या है, आम आदमी को मिलता क्या है? और सरकार जो हमसे इतना टैक्स लेती है उसके बदले में सरकार हमें देती क्या है? कौन सी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं, वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं सरकार बदले में देशवासियों को देती है, मैं ये भी पूछना चाहता हूं। इसीलिए आज मुझे ये कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है दैट सर वी इन इंडिया टुडे पे टैक्सेस लाइक इंग्लैंड टू गेट सर्विसेज लाइक सोमालिया। रूरल इनकम एंड इन्फ्लेशन, सर आज राइजिंग रूरल इन्फ्लेशन, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, लो क्रॉप यील्ड, इनकम इनइक्वालिटी, फार्मर डेट, हाई इनपुट कॉस्ट, लो इनकम, नो MSP और क्रॉप लॉसेस के चलते ये आलम है सर कि रूरल इनकम ग्रोथ वित्तीय वर्ष 23-24 में डेकेडल लो पे है, डेकेडल लो पे। और सर इसी के साथ साथ किसानों की आय दुगना करने का वादा था, स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार MSP देने का वादा था, वो वादे जब पूरे नहीं हुए तो आलम यह है सर कि पिछले 25 महीने लगातार रियल रूरल वेजेस डिक्लाइन पर हैं लगातार, और इसके साथ साथ UPA के दौरान, कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान फार्म वेजेस में 8.5% का इजाफा देखा गया था, NDA 1 के दौरान 3% और NDA 2 के दौरान -0.6% का इजाफा देखा गया, यानी कि रूरल वेजेस गिरती जा रही है। सर मैं इसे साधारण भाषा में समझाता हूं। सर 2014 में एक दिहाड़ी मजदूर एक दिन की अपनी दिहाड़ी से 3 kg अरहर की दाल खरीद सकता था। सर आज वही दिहाड़ी मजदूर वर्ष 2024 में एक दिन की दिहाड़ी से 1.5 kg अरहर दाल खरीद पा रहा है, यानी कि महंगाई भी बढ़ रही है और उसकी आमदनी भी घट रही है। इसका नतीजा क्या हुआ सर? इसका नतीजा यह हुआ कि इनका वोट शेयर घटा, रूरल एरियाज में 5% भाजपा का वोट शेयर घटा, इनके खुद के यूनियन एग्रीकल्चरल मिनिस्टर चुनाव हार गए और 398 रूरल सीट्स में से 2019 में इनको 236 मिली थी, आज 398 सीट्स में से इस बार मात्र 165 सीटें मिली हैं, यानी कि रूरल इंडिया में इनको नकार दिया गया है। सर सर दूसरा मेरा जो आज देश में आर्थिक स्थिति है जिसके कारण इनकी भी ये चुनावों में दशा हुई उसका है फूड इन्फ्लेशन। सर थाली का बजट बिगड़ गया। सर आटा हो, दूध हो, चावल हो, दही हो, हर वस्तु पे महंगाई का आलम है, GST का आलम है और लगातार इस देश में फूड इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। 9-9.5% के लगभग आसपास फूड इन्फ्लेशन मंडरा रही है सर इस देश में। और मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि वो कमोडिटीज जिसमें हम सेल्फ सफिशिएंट थे, वो कमोडिटीज जिसमें हम एक्सपोर्ट किया करते थे, उसमें कैसे महंगाई घुस गई? और अगर वो कमोडिटीज भी महंगी हो गई हैं तो उसका फायदा किसान को क्यों नहीं मिलता? वो सारा पैसा जा कहाँ रहा है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। सर आटा 2014 में 21 रुपए प्रति केजी बिका करता था, आज 42 रुपए प्रति केजी हो गया है। दूध 30 रुपए प्रति लीटर के आसपास बिका करता था वर्ष 2014 में, आज 2024 में 70 रुपए प्रति लीटर बिकता है। सर देसी घी 2014 में 300 रुपए प्रति केजी पे बिका करता था, आज 2024 में 675 रुपए प्रति केजी बिकता है। अरहर की दाल 80 रुपए प्रति केजी बिका करती थी 2014 में, आज 230 रुपए प्रति केजी बिक रही है और न जाने कितनी वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं सर। और अगर यही रफ्तार रही महंगाई की तो जितनी रफ्तार से 303 से 240 पर आए हैं उससे तेज रफ्तार से 240 से 120 पर आएंगे सर ये लोग। सर थर्ड रीजन इज अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी। सर इनफॉर्मल सेक्टर हो या फॉर्मल सेक्टर हो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो या ऑर्गेनाइज सेक्टर हो, हर जगह अनएम्प्लॉयमेंट है और CMAI की रिपोर्ट ये बताती है कि अनएम्प्लॉयमेंट दर ऑर्गेनाइज सेक्टर की इस देश में 9.2% है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तो बात ही भूल जाइए, ऑर्गेनाइज सेक्टर की अनएम्प्लॉयमेंट दर 9.2% है और हम लोग अपने देश के ह्यूमन रिसोर्सेज को किस कागार पे लाकर खड़ा कर दिया है उसका आलम देखिए। सर उत्तर प्रदेश सरकार के सचिवालय में PN की पोस्ट के लिए 368 नौकरियां निकली, 23 लाख लोगों ने उसके लिए आवेदन पत्र दिए।
इंडियन रेलवेज के ग्रुप डी एम्प्लॉयज में 63,000 पोस्ट निकली, उसके लिए 2.5 करोड़ लोगों ने आवेदन पत्र दिए। 2.5 करोड़ ऑस्ट्रेलिया की आबादी से भी ज्यादा है सर। सर 9,900 कांस्टेबल पोस्ट बिहार पुलिस निकालती है, उसके लिए 11 लाख आवेदन पत्र आते हैं। और सर सारी चीजें छोड़िए, महाराष्ट्र सचिवालय के कैंटीन में 12 वेटरों को भर्ती करने के लिए जब आवेदन पत्र मांगे गए तो 7,000 लोगों ने आवेदन पत्र दिए, जिसमें कई पोस्ट ग्रेजुएट्स और ग्रेजुएट्स भी शामिल थे। सर यह बेरोजगारी का आलम है। चौथा, की सेक्टर स्टैग्नेशन। जितने की सेक्टर्स हैं इस देश में, कंस्ट्रक्शन हो, ट्रेड हो, जो इंप्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, उसमें एक स्टैग्नेशन आता जा रहा है। और इंडस्ट्री का इन्वेस्टमेंट, जिसे कहते हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, वो लगातार घटती जा रही है। और मुझे बताते हुए दुख है कि न्यू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वित्तीय वर्ष 24-25 के पहले क्वार्टर में 25 ईयर लो पर आ खड़ी है, यानी कि निवेश नहीं कर रही है इंडस्ट्री आज भारत देश की। सर पांचवा कारण है गिरती हुई पर कैपिटा इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय। देश के 12 राज्यों में लगातार पर कैपिटा इनकम घटी, उन 12 में से 9 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर भी घटा। छठा कारण, डिक्लाइन इन फाइनेंशियल सेविंग्स एंड राइजिंग डेट बर्डन ऑन द इंडियन हाउसहोल्ड, यानी कि एक औसतन भारतीय परिवार का कर्ज बढ़ता जा रहा है और उसकी सेविंग्स घटती जा रही हैं। फाइनेंशियली हम लोग फ्रेजाइल होते जा रहे हैं, और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने खुद कहा कि सेविंग्स बैंक अकाउंट खातों में से सेविंग्स गायब होती नजर आ रही हैं। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जन सहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जन सहयोग में शामिल हो और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाभियान में शामिल हो। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जन ज्वार, जनता की मीडिया।